ऑस्ट्रेलिया वालों क्या हो गया पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप से आप डर क्यों रहे हैं भाई खेलना नहीं जा रहा नहीं यार अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तानी बॉलर से डर गए हैं वेल ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ यार ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ असल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का दूसरा दिन जो कि टेस्ट का चल रहा है सिडनी टेस्ट का ये तीसरा टेस्ट मुकाबला है दूसरा दिन है खेल का खात्मा हो चुका है और पहले बैड लाइट थी उसके बाद आकर फिर बारिश ने काम खराब किया और खेल ज़्यादा ओवर तक जारी और सारी नहीं रहा 47 ओवर्स ओवर खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और सिर्फ और सिर्फ एक सो रन बनाए हैं दो खिलाड़ी हमने आउट किए हैं दो खिलाड़ी लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना स्लो खेल रहा है इतना मोहतात खेल रहा है उनसे खेला नहीं जा रहा क्यों पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है आप अंदाजा कर लीजिए जिस जितने भी बॉलर ने बॉलिंग की है आप ठीक है विकेट ज्यादा नहीं ले पाई लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है मीर रमजान ने ग्यारह ओवर किए हैं ग्यारह ओवर दस ओवर किए हैं पाँच मैडन ग्यारह रन सिर्फ दिए हैं इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग दो के कम से इक्यानवे दिया है उसके अलावा आसरणली की बॉलिंग चेक करें उन्होंने भी सिर्फ उन्नीस रन दिए हैं नौ ओवर के अंदर बारह ओवर में साजिद खान ने अठतीस रन दिए हैं आमिर जमाल ने आठ ओवर में सिर्फ छब्बीस रन दिए एक विकेट भी है और उसके अलावा सलमान उल्जागर ने भी एक विकेट हासिल किया है फोर्टी सेवन ओवर में टू पॉइंट समथिंग के नेट रन रेट से ऑस्ट्रेलिया ने एक सौ सोलह रन बनाए हैं अभी भी वन नाइन्टी सेवन रन रहते हैं जबकि के पाकिस्तान की के अगर बात करें पाकिस्तान ने 4.05 के करंट रेट से बैटिंग की थी 77 ओवर्स में 313 इतना तेज पाकिस्तान खेला था ऑस्ट्रेलिया उससे हाफ भी नहीं खेल पा रहा ऑस्ट्रेलिया बहुत स्लो बहुत मोहतात बहुत आराम आराम से खेल रहा है आज अगर आज के दिन पर बात करें तो आज भी हमारी पुरानी रवायत हमारा वही रोना जो कि कैचे छोड़ना स्लिप में लेकिन मुझे थोड़ी समझ नहीं आती ये पाकिस्तान क्रिकेटिंग कर क्या रही है बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त कर रही है लेकिन फील्डिंग का मैर नहीं है भाई कोई प्लानिंग नहीं है फील्डिंग रिप्लेसमेंट बड़ी अच्छी है लेकिन फील्डर जहां जिस फील्डर को होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा मैं इधर थोड़ी सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा साइम साइमयूब को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई गई बैटिंग की नेट्स में जब ऑस्ट्रेलिया वाला तीसरे टेस्ट मैच से पहले लेकिन उनको स्लिप में नहीं खड़ा नहीं किया गया स्लिप की फील्डिंग नहीं करवाई गई प्रैक्टिस में लेकिन मैच में स्लिप में खड़े हो जाते हैं भाई बाबर कहां गया फर्स्ट स्लीपर स्लिप बाबर खड़ा होता है यो क्या शान मसूद साहब हफीज के सुनने की बजाय टीम को देखें जो अच्छे फैसले हैं वो करें अब शाय मयूब नया लड़का उसको स्लिप में खड़ा कर रहे हैं प्रैक्टिस भी नहीं करवाई ये थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है लेकिन उसके पास फील्डिंग प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है जहां 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 फील्डर ले रहे हैं बॉल्स उससे आगे नहीं पार पा रही बड़ी अच्छी पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की है सभी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है अभी वन नाइनटी सेवन रन रहते हैं डेविड वार्नर को पकड़ लिया पहले डेविड वार्नर का कैच छोड़ा है साह अयूब ने स्लिप में तो स्लिप वाले साल जो मसला है ना वो सॉल्व कर लीजिए उसके अलावा अगर कर बात करें तो डेविड वार्नर लंबी नहीं खेल पाए उस्मान ख्वाजा का इस सिडनी के ग्राउंड में स्टैट्स रिकॉर्ड बहुत शानदार किस्म के हैं वन प्लस की एवरेज है सिडनी के ग्राउंड में उसकी सिर्फ बारह इनिंग्स में ऑलमोस्ट नाइन के करीब उसने रन बनाए हुए लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो पकड़े गए हैं अमर जमानन को एल कर दिया है कैच पकड़ा दिया जो सॉरी मोहम्मद रिजवान ने पीछे कैच पकड़ा है बड़ा शानदार तो ओवरऑल पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर चुका है वन नाइनटी सेवन रन लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बहुत ज्यादा तवील है ये मैच जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बनेगा ये मैच चौथे दिन तक तो लाजमी जाएगा पाँचवें दिन तक जा सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका वाला मैच की तरह नहीं है जो आज ही मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा लेकिन ये वाला जो मैच है ये आज बारिश ने थोड़ा सा रंग में भंग डाला लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो खेलने का अंदाजा वो बहुत स्लो है बहुत मोहतात अंदाज खेल रहे हैं ऐसा पाकिस्तान जो कि पहला टेस्ट मैच जो कि पर्थ में टेस्ट मैच था पाकिस्तान की ये अप्रोच थी लेकिन अब हमसे शिफ्ट होकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वाले डर तो नहीं गए इतना स्लो खेल रहे हैं भाई थोड़ी सी शार्ट्स लगाओ थोड़ी सी अपनी वराइटीज दिखाएं पता चले आप कौन से प्लेयर हैं जहाँ आप इतना स्लो पाकिस्तान वाली क्रिकेट को चोड़ी ना करें यार मिस वाला के नक्शे कदम बात रहे हैं ये चीज़ हमें वारा नहीं खाती बेस्ट विशेष पास पाकिस्तान फील्डिंग का अगर मैार अच्छा हो जाए ना तो फिर बहुत शानदार किस्म की। अगर इस सीरीज़ में ही अगर फील्डिंग अच्छी हो जाती इतने कैचेज़ हमने ड्रॉप किए हैं तो भाई रिजल्ट जो है हम वो हमारी तरफ भी आ सकते थे अल्लाह